अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुंब्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुंब्रा के लिए हम कुछ अच्छा बनाए, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विथ लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द लाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone and we are looking forward to serving you at Medfort Multispeciality Hospital. नाम इतना बड़ा है कि महाराष्ट्र के लिए अभी हिंदुस्तान के लीडर बन चुके हैं, पर मुंब्रा कौसा में कोई बड़ा काम करने के लायक नहीं। आप मुंब्रा कौसा में जो काम चाहिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए, जिस तरीके की जो हमारी मांगनियां हैं, उसको करने से आप भले रोक सकते हो हमें, मगर हम इसको करने से रुकेंगे नहीं। हम इसके लिए कहीं से भी फंड लाएंगे और हम इस काम को करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। हमारे नगर सेवकों को साथ में लेकर के चले, उनका बाप नहीं बने। मैं हूं सोनू सूद, आप देख रहे हैं न्यूज़ एफ के। मुंब्रा से क्यों ये कितना दुर्व्यवहार करते हैं और कलवा से क्यों इतना प्यार करते हैं? इन्हें मुंब्रा डेवलप करना ही नहीं है, ये चाहते ही नहीं कि मुंब्रा डेवलप हो, ये चाहते हैं कि मुंब्रा में इसी तरीके से लोग छोटे मोटे मूलभूत सुविधाएं के लिए वंचित रहें, ताकि ये लोग मेरे से जुड़े रहें। अगर इनको मूलभूत सुविधाएं मिल जाएंगी तो ये बड़ी चीजों की मांगनी करेंगे, चाहे वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर हो, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे वो हज हाउस हो, इसकी मांगनी हम करते रहें। और ये हमेशा हमें सपना दिखाते हैं, हर इलेक्शन से पहले इनका एक किताब आती है उड़ान करके, आपने देखी होगी उड़ान, शायद आपके पास होगी भी, आपने एक बार दिखाया भी था मुझे। उड़ान में क्या कहते हैं कि हम यहाँ पर ये देंगे, गर्ल्स आईटीआई हॉस्टल्स बना देंगे, हम हज हाउस बना देंगे, हम इस्लामिक लाइब्रेरी बना देंगे, इस्लामिक कल्चरल सेंटर बना देंगे, हम फलाना कर देंगे, धमाका कर देंगे। माइनॉरिटी के फंड तो आपको भी मिला है ना, क्या किया आपने माइनॉरिटी फंड के अंदर? आपने माइनॉरिटी फंड के अंदर मुंब्रा स्टेशन परिसर का काम किया या कोई डीपी रोड किए? अरे माइनॉरिटी फंड इसलिए होता है कि माइनॉरिटी के जो लोग हैं, देखो माइनॉरिटी खाली मुसलमानों के अकेले की नहीं है, माइनॉरिटी में 6 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आती है, मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध, जैन, 6 लोग मिलकर के आते हैं। ये 6 लोगों को मिलाकर के माइनॉरिटीज होती है, और माइनॉरिटी फंड जो है वो उनको अपलिफ्टमेंट करने के लिए माइनॉरिटी फंड बनाया गया, ताकि किस तरीके से माइनॉरिटीज के जो लोग हैं ये मुख्य धारा के अंदर आ जाए वापस से, और जो मुख्य धारा में जो लोग हैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर के चल सके, इसके लिए माइनॉरिटी फंड होता है। एक माइनॉरिटी फंड से क्या काम किया मुसलमानों के लिए, बताइए ना मुझे। मुंब्रा एक बहुमूल्य मुस्लिम इलाका है, क्या काम किया मुसलमानों के लिए? कुछ नहीं, ये चिराग तले अंधेरा है। नाम इतना बड़ा है कि महाराष्ट्र के लिए अभी हिंदुस्तान के लीडर बन चुके हैं, पर मुंब्रा कौसा में कोई बड़ा काम करने के लायक नहीं। पूरे भारत को चैलेंज करता हूं, मेरे सामने कोई डेबिट पे मुझे हरा नहीं सकता। मैं ये तो कहना चाहता हूं उससे कि एक बार बैठ जाए ना हमारे साथ में, 1-to-1 हो जाए बात सामने सामने, तो मजा आएगी जरा सा। हम भी तो सुने कि क्या काम किया आपने मुंब्रा के लिए, और हम बताएंगे हमने क्या काम किया है आपसे ज्यादा मुंब्रा कौसा के अंदर म्युनिसिपल करप्शन के माध्यम से। आप मुंब्रा कौसा में जो काम चाहिए, जिस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहिए, जिस तरीके की जो हमारी मांगनियां हैं, उसको करने से आप भले रोक सकते हो हमें, मगर हम इसको करने से रुकेंगे नहीं। हम इसके लिए कहीं से भी फंड लाएंगे और हम इसको काम को करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जरूर ऐसा हो सकता है, आप बहुत सारे अड़ंगे डाले, बहुत सारे अड़चने डाले इसके अंदर, मगर हमारे कामों को होने से कोई रोक नहीं सकता। अभी आपको एक बात बता दूं, मैं अभी 391 करोड़ का हमारा नया टेंडर कॉल हुआ, उसका वॉकआउट हो गया और हम उसका काम करने जा रहे हैं बहुत सारे जगहों पर, हम चाहे शिवाजी नगर हो, चाहे कड़ी मशीन रोड हो, चाहे किस्मत कॉलोनी हो, चाहे वो डोंगरे चौल हो, चाहे हमारा रशीद कंपाउंड हो, कालशेखर कॉलेज हो, चाहे हमारा माज होटल हो, चाहे वो कौसा तलाव पॉलिसी से लेके वाई जंक्शन हो, ऐसे बहुत सारे काम हम लोग का वॉकआउट आ चुका है 391 करोड़ के अंदर। तकरीबन मेरा अंदाजा है ये कुछ 28 करोड़ के आसपास काम मुंब्रा कौसा के हैं। मसला ये है, हमारे 5 मार्च 2022 को हमारा नगर सेवकों का कार्यकाल जो है वो संपन्न हो गया, खत्म हो गया। अब उसके बाद में हमारे पास कोई बजट नहीं, कोई निधि नहीं है, तो नगर सेवक के पास कोई जनरल बॉडी मीटिंग्स नहीं होती है, महासभा नहीं होती, तो कहीं गुहार नहीं लगा सकते। ऐसे वक्त में जब महानगर पालिका बर्खास्त होती है, वही वक्त ऐसा होता है जिस वक्त में हमारे इलाके का आमदार और हमारा खासदार जो है वो काम करना चाहिए, मगर आमदार तो हम कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, मगर हमारे जो यहाँ के लोकल खासदार हैं, क्योंकि उनके वालिद साहब जो है वो यहाँ के सीएम भी हैं, तो हमने उनसे गुहार लगाई, उनके पास लेटर मांगनी की है, और उस मांगनी के हिसाब से चाहे वो मेरा लेटर हो, चाहे वो विशु भगत साहब का लेटर हो, चाहे वो राजन किनी साहब का लेटर हो, मैं समझता हूँ बहुत सारे राष्ट्रवादी के नगर सेवकों के भी लेटर उधर पर गए हैं, और ये पहले गए हैं,
सरकार बनने से पहले के गए हुए हैं उस वक्त हमारे साथ में, तो आज भी हमारे साथ में हैं, उनको बजट देने की जरूरत है क्योंकि वो बजट अपने घर के लिए नहीं मांग रहे, अपना घर बनाने के लिए नहीं मांग रहे, वो अपने इलाके में जो छोटे मोटे उनके काम रह गए हैं या बाकी हैं करने के लिए उसी को बनाने के लिए वो मांग रहे हैं, उनको बजट देना चाहिए और सबको बजट दिया गया है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का क्योंकि मुझे मालूम है नाम लेते हैं फिर उसके ऊपर घास कैसे गिरने वाली है। एक बैठा है मच्छर खाते हुए टोरेंट के खिलाफ, तेरे बाप को कहो जा टोरेंट हटा दे, एक मिनट का काम है। आपको थोड़ा सा डिटेल बता दूं मैं कि टोरेंट का जो फ्रेंचाइजी देने का काम जो हुआ था या उसका जो टेंडर कॉल किया गया था, भले ही वो बीजेपी की सरकार में हुआ था मगर उसके बाद में उसके ऊपर सीएम साहब ने स्टे दे दिया था। आपको जानकारी लिए बता दूं कि उसके बाद में 2019 में सरकार चेंज हुई, 2019 में उद्धव साहब की सरकार आई और सरकार आने के बाद में 26 फरवरी 2020 को इसका वॉक ऑर्डर दिया गया। किसकी सरकार थी मालूम है आपको? उद्धव साहब की सरकार थी कांग्रेस और एनसीपी को लेकर के, तो आप ही की सरकार थी, आप उस टाइम हाउसिंग डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, आप रोक सकते थे, आघाड़ी की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, आप चाहते तो उस टाइम बोल सकते थे सब नमाज कीजिए हमारे मुमरा का कलवा वालों को बहुत, दीवा वालों को बहुत नुकसान होने वाला है। इसके अंदर तीन बड़े बड़े शहर है इसमें, दीवा मुमरा और कलवा, तीनों को नुकसान होने वाला, तीनों को आप ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो दीवा को भले आप ना करते हैं मगर कलवा और मुमरा को तो आप ही रिप्रेजेंट करते थे, आपका फर्ज बनता था कि आप वहां जाकर के बोले कि साहब मत जिसका टेंडर स्टे लगा है नहीं दिया जाए। मगर आप अभी जैसे बोल रहे हैं ना कि नहीं आपके बाप से बोलिए फलाने से बोलिए, सैफ पठान साहब का नाम ना लेते हुए बोल रहे कि वहाँ बैठ के मच्छर खा रहा है, अरे एक जमहूरी हक है हर इंसान का कि वो किसी भी पॉलिसी से खिलाफ भूख हड़ताल पे, धरने प्रदर्शन पे, मोर्चे पे, लॉन्ग मार्च पे जा सकता है। क्या आप नहीं गए थे? क्या आपने नहीं किया था? क्या आपने महानगर पालिका के हाउस के अंदर जाके कचरे की गाड़ी नहीं पलटी मारी थी ना? तो ये जमहूरी हक है और ये जमहूरी हक में इसी तरीके से लड़ा, जमहूरियत के लिए डेमोक्रेसी के अंदर इसी तरीके से लड़ा जाता है और वो अपने जमहूरी हक के हिसाब से वो लड़ रहा है, चाहे वो सैफ पठान हो चाहे वो फरज शेख हो, वो लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो इस इलाके के अंदर जो भी ऐसे गलत पॉलिसीज अगर लाई जाएगी तो उसके खिलाफ वो लोग लड़ेंगे और लड़ना भी चाहिए और लड़ रहे हैं वो लोग। पूरे भारतवर्ष के अंदर हमने कभी नहीं सुना कि किसी मोर्चे को या किसी सरकार के खिलाफ के होने वाले प्रदर्शन को या भूख हड़ताल को एक स्थानीय आमदार इस तरीके से अटैक करता हूँ। पहली बार मैं इस भारतवर्ष के अंदर देख रहा हूँ क्यों अटैक कर रहे हैं, क्यों अटैक कर रहे हैं, करने दो उनकी भी राजनीति। मुमरा कौसा आपकी बपोती तो नहीं है, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, हर एक को हक है यहाँ पर अपने जमहूरी तरीके से वो अपने मांगों को पेश करने का अपनी सरकार के सामने, सरकार सभी की होती है और सरकार के सामने अगर वो पेश कर रहा है आपको क्यों बुरा लग रहा है? आपकी तो सरकार है नहीं, आप तो अपोजिशन में, आपको तो उल्टा साथ देना चाहिए उनका, चलो भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं, मेरे साथ चलिए बजट सेशन चालू है, चलो मैं आपको विधान भवन के सामने स्टेज लगा के देता हूँ वहां बैठिए ताकि और मुद्दा गरमाए अच्छे तरीके से और आपकी आवाज गूंजे विधान भवन के अंदर। वो नहीं कर पा रहे, उल्टा क्या कर रहे हैं, उल्टा क्या कर रहे हैं, अड़तड़ा डाल रहे हैं। आप जिस तरीके से अपशब्द यूज करते हैं, परसों आपने जिस तरीके से गालियां दी, किसी का नाम ना लेते हुए गालियां दी, मैं अब वो गाली को दोहरा नहीं सकता हूं। आज मुमरा कौसा के लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, भेड़ की खाल के अंदर भेड़िया है, इसको समझने की और पहचानने की जरूरत है। हमारे पास बहुत सारे आएंगे और बहुत सारे जाएंगे, जरूरी नहीं है कि एक, कहते हैं ना कि भाई अगर बोलते हैं कि अगर फलाना नहीं होता तो क्या होता, ऐसा नहीं है, अल्लाह कई असबाब पैदा कर देता है, आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, कोई ना कोई अच्छा ही आएगा इंशाल्लाह। हम कोशिश करें कि हमारा अच्छा से अच्छा हमारा एमएलए बने। मैं ये समझता हूँ कि बड़े हो गए ना लीडर ये, अब इनको तो एमपी लड़ना चाहिए, अब विधानसभा में विधान भवन में बोलने की जरूरत नहीं, अभी आपको पार्लियामेंट में बोलने की जरूरत है, अब जाए पार्लियामेंट में आवाज उठाएं, अब तो पूरा देश पहचानने लगा है आजकल, तो अब जाए पार्लियामेंट में आवाज लगाएं। मैं समझता हूँ, चलो छोटी सी छोटा सा चैलेंज करता हूँ मैं आपको, एमएलए इलेक्शन जिताने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का रहा है, किसी इंडिविजुअल की अगर मैं बात करूँ तो नजीबुल्ला साहब का रहा है। क्यों नहीं आप इस सीट को नजीबुल्ला साहब के लिए छोड़ देते हैं और जाके पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ते हैं, हमें भी नुमाइंदगी का एहसास हो जाएगा, चलो ठीक है भाई हमने तीन मरतबा आपको जिताया, अब एक मुसलमान को हम जिताएंगे, क्या आपके लोग देंगे हमें वोट? मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या देंगे आपके लोग वोट हमें? नहीं देंगे। तो हम भी इस बार ये चाहेंगे, ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा बदलाव आ जाए, थोड़ा सा अच्छे लोग चुन करके आएं जो मुमरा कौसा के लोकल काम करें, छोटे लोग हों, जो छोटे, देखो आपके पास बताऊँ मैं, आप बड़े बाबू के पास जाओगे तो आपका काम नहीं होता, आप छोटे से क्लर्क के पास जाओगे तो आपका काम हो जाता है। कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा लीडर हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे दुख दर्द को समझे, हमारे इलाके गलियों में घूमे, गलियों के प्रॉब्लम्स को समझ के और उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, हमारे नगर सेवकों को साथ में लेकर के चले, उनका बाप नहीं बने। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।